चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री को हम कैसे कमांड करेंगे। कैसे कमांड का मतलब कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ें ताकि हमारी केमिस्ट्री कमांड हो जाए, हमें कोई केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ना हो। तो आज इसी बारे में चर्चा होती है इस वीडियो में कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, किनको पढ़ने से आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो देखिए, और केमिस्ट्री को टोटल तीन भागों में डिवाइड किया गया है, थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। पहली हमारी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो जैसे हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि यदि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे आप एग्जाम लेवल के लें चाहे आप बोर्ड लेवल के लें, दोनों के लिए चैप्टर आपके सेम होंगे। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपने यदि जो है तैयार कर लिया, जिनको आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो शायद उम्मीद है कि केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी कभी भी, चाहे कॉम्पिटिशन की केमिस्ट्री हो चाहे बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए हम आज बात करते हैं उन्हीं चैप्टर्स के बारे में, उन्हीं चैप्टर्स के नाम बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आप तैयार कर लें ताकि केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी आप चैप्टर कमांड कर लें ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और ना कभी होगी। ऐसे चैप्टर से यदि इनको आपने तैयार कर लिया तो केमिस्ट्री में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी केमिस्ट्री आपकी। तो देखिए चलते हैं। पहला चैप्टर आपका होगा फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यदि आपने इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते तो कहां पर होते हैं, इसका न्यूक्लियस क्या होता है और इस पर चार्जेस कैसे होते हैं पूरे एटम पर, पूरे न्यूक्लियस पर, इनके रेडियस क्या होती है। तो कुल मिला के इसमें आपको पढ़ना है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। यदि स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ लिया तो फिर आपको समझो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेकंड चैप्टर में हम बात कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग, सेकेंड चैप्टर आपका होगा केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग में क्या, केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही मेजर पार्ट है। ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसी पर बेस्ड कॉम्पिटिशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत लेंथी चैप्टर है। इसको आपने कमांड कर लिया तो ये मानिए कि आपकी 60% केमिस्ट्री कमांड हो चुकी है, ये ऐसा चैप्टर है। तो केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग क्या है इसके बारे में क्या पढ़ते हैं, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग मतलब कंपाउंड मॉलिक्यूल एटम जो होते हैं, आप देखते हैं कि एटम जो होते हैं एक दूसरे से बॉन्ड्स के द्वारा अटैच होते हैं। तो अटैच क्यों होते हैं, किसके कारण होते हैं, बॉन्डिंग क्यों फॉर्म करते हैं, वो सब आपको इस टॉपिक में पढ़ना है कि केमिकल बॉन्डिंग में एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में कॉम्बिनेशन क्यों होता है, बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है। बॉन्ड फॉर्म ना हो तो क्या होगा और बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़नी है। और टोटल जो बॉन्डिंग ओवरऑल केमिस्ट्री की है वो इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। एक चैप्टर अगला होगा आपका थर्ड पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपका बहुत मेन चैप्टर है।
यदि आपने पीरियोडिक टेबल को पढ़ लिया अच्छे से तो समझो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत मेजर पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका एक ऐसा चैप्टर पीरियोडिक टेबल, आपको इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, वो सब इसी चैप्टर में आपको मिलेगा। क्लासिफिकेशन के एलिमेंट जो होते हैं वो किस तरीके डिवाइड किए गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, किस तरीके से डिवाइड किए गए, किस पर डिपेंड है इनका डिवीजन, तो ये सब आपको जो है इस वाले टॉपिक में पढ़ना होगा। उसके बाद अगला देखेंगे हम रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो यदि आपने इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया रिडॉक्स वाला, तो रिडॉक्स में क्या पढ़ना है आपको, फोर्थ टॉपिक हमारा रिडॉक्स। रिडॉक्स में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यदि आपने रिडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया तो आपको जो है केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इन चैप्टरों को यदि आप केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो ये सारे चैप्टर्स आपको जो है कमांड करने होंगे। यदि आपने इनको कमांड कर लिया तो आपका केमिस्ट्री का लगभग 90% पार्ट कंप्लीट हो चुका। ये ऐसे चैप्टर्स है कि आपको जो है पूरी केमिस्ट्री के लिए हेल्प देते हैं। तो इन चैप्टरों को, केमिस्ट्री को आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो हम आपको बता दिया कि नॉनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन चैप्टरों की स्टडी आपने बेटर तरीके से कर ली तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्लियर दोस्तों? ओके, ऑल द बेस्ट।